Hi everyone, yes, I am your friend Sweta Kumari. Welcome my channel Rajeshwari Food. तो दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। राजेश्वरी फूड। तो दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आज कुछ पकाना नहीं है, रेडीमेड ही बनाने वाले हैं हम बाहुबली सैंडविच। कभी कभी मैं आप लोग के लिए हमेशा हेल्दी फूड लेके आई हूँ, आज हम फास्ट फूड बनाएंगे। कभी कभी हमें फास्ट फूड भी ट्राई कर लेना चाहिए दोस्तों, इसमें अलग ही टेस्ट होता है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक प्लेट लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा ब्रेड नहीं मिलता, इसी साइज का मिलता है, तो इजली अवेलेबल नहीं है बड़ा साइज का ब्रेड। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, और ना मिले तो इसी से काम चला लेना दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो ब्रेड का मैंने कॉर्नर जो होता है फोर साइड कट करके ऑलरेडी रख दिया है। तो दोस्तों ये मेरे पास अमूल बटर है, तो इसको हम लोग सबसे पहले जितना सैंडविच मैंने जितना ब्रेड हम लोग काटे थे उसमें लगा लेंगे हम सारे में। ऐसे जितना भी ब्रेड है 5-6 पीस है, तो उसमें हम ऐसे करके सारे में लगा लेते हैं। ब्रेड में देख सकते हो बटर मैंने लगा लिया है। अब मैंने ये धनिया कोरिएंडर का चटनी बनाया था, तो बटर पे अब हम सारे पे ऐसे करके लगाना है। तो मैं सारे जितने भी ब्रेड हैं मैं उन पे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सारे बटर वाले ब्रेड में कोरिएंडर का जो चटनी था सब मैंने लगा दिया है। इस तरह मैंने प्याज काटा हुआ है, तो अब हम इसमें प्याज, छोटा ब्रेड है इसीलिए हमें ज़्यादा इसमें नहीं हटेगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसे करके हम प्याज यहाँ पर डालेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने पहले वाले ब्रेड में पूरा फर्स्ट कर दिया है, खीरा डाल दिया है, ऑनियन डाल दिया है। अब ये साइज का खीरा है, तो हमें इस पर ऊपर से अब खीरा को सेट करना है। तो इसमें मैंने खीरा प्याज सेट कर दिया है। तो दोस्तों अब जिस पे मैंने प्याज और खीरा का कटा हुआ पार्ट डाला था, अब हम इस पर क्यूब साइज का चीज़ आता है उसे घस लेंगे। इसके ऊपर हमको डालना है जितना आप खास जितना आपको अच्छा लगता है उतना भर के आप इसमें चीज़ डाल सकते हो। तो देख सकते हो आप मैंने इसमें पूरा भर के चीज़ डाल दिया है, चीज़ी हो गया है ये। तो दोस्तों देख सकते हो ये फर्स्ट लेयर हो गया है बाहुबली सैंडविच का। अब ऊपर से हम ये न्यूट्रेला का मयो वेज डालेंगे, और दूसरा है मेरे पास न्यूट्रेला का मयो चीज़ी गार्लिक केचप। तो अब हम इसको दोनों ऐसे करके हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो चीज़ के बाद मैंने गार्लिक मयोज और व्हाइट वाला मयूज होता है उसको इस्तेमाल किया है। अब ये सेकेंड वाला सैंडविच हम ब्रेड जिस पे लगा है उसको ऐसे करके हम डाल देंगे। तो अब हमने ये रख दिया है ब्रेड का सेकेंड पार्ट, तो अब ये इस पे हम शेजवान चटनी से पूरा इसको मिला लेंगे, ऐसे करके पूरा इसके ऊपर लगा लेंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें शेजवान चटनी पूरा लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम टमाटर इस साइज का कटा हुआ है टमाटो, तो हम उसको इसमें लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर देख सकते हो कैबेज है, थोड़ा हेल्दी भी हो रहा है, हेल्दी भी है और थोड़ा सा ये डिश हेल्दी भी है और फास्ट फूड भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो चटपटा है, बच्चों को सारी उम्र के जो है उनको बहुत पसंद आएगा। तो अब हम इसमें टोमेटो और कैबेज डाल दिए हैं, अब हम लोग इस पर टोमेटो केचप सॉस डालेंगे। अब हम इस पर टोमेटो केचप डाल रहे हैं। तो दोस्तों इस पर हमने टोमेटो कैबेज और टोमेटो केचप डाल दिया। अब जो हमारा तीसरा है उसको हम इसको ऐसे लगा देंगे। दोस्तों अब ये इस ब्रेड को हमें कोट करना है इस मयो चीज़ी गार्लिक पेस्ट से, तो अब हम इसको ऐसे करके पूरा तो दोस्तों मैंने गार्लिक मयो से पूरा ऐसे करके लगा लिया है। मेरे पास आप देख सकते हो क्योंकि बाहुबली है तो बिल्डिंग की तरह तो ये बिल्कुल बनेगा ही बाहुबली सैंडविच, तो अब हमारे पास ये पनीर है, तो हम इसको ऐसे करके पनीर का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इस पर पनीर डाल दिया है, मेरे पास ये चीज़ है, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो आप क्यूब टाइप का होगा उसका भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब हम इसको ऐसे करके इस पर डाल देंगे। दोस्तों अब हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो जो भी है आपके पास वो इसमें, मैं इसमें ऑर्गेनो डाल रही हूँ। और तो दोस्तों हमने इस पर ऑर्गेनो डाल दिया है, अब मेरे पास चिली फ्लेक्स है तो हम इस पर चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। तो अब दोस्तों हम इस पर ऑर्गेनो डाल दिए, चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं आप देख सकते हो। तो अब हम ये कितना ब्रेड का लेयर हुआ, 1, 2, 3, अब हम ये फोर्थ लेयर का ब्रेड इसमें लगा रहे हैं। अब हमने फोर्थ ब्रेड के इस पर टोमेटो केचप से कवर कर लिया है, तो अब हम इस पर जो है पोटैटो मैंने ऐसे बॉईल करके लिया था, तो अब हम इस पर पोटैटो डालेंगे। दोस्तों मैंने इस पर पोटैटो डाल दिया है, आप पोटैटो का हम फिर से अगेन क्यूब चीज़ है तो इसके ऊपर हम क्यूब चीज़ डालेंगे घस के, क्योंकि चीज़ तो सबको पसंद है, इसीलिए जितना आपको टेस्ट अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। ऊपर से हम मयो लगा देते हैं, हमने ऊपर से हम मयो लगा दिया है, उसके ऊपर हम ये पांच वाला ब्रेड का ऐसे करके हम रख लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको मयो से
गार्लिक मयू से पूरा इसको फिर हम कवर कर लेंगे। इसके ऊपर फिर से अगेन पनीर का कटा हुआ हिस्सा है जो उसको ऐसे करके रैपिंग कर देंगे। इसका ये तीखा चिप्स है स्पाइसी, तो पनीर के बाद हम इसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए ऊपर से पूरा कोट कर देंगे, इसको अच्छे से ऐसे करके रख देंगे। तो पनीर और चिप्स से हमने कोटिंग कर दिया है, इसके ऊपर आपको जो सॉस अच्छा लगता है वो डाल दीजिएगा। मैंने इस पर टमाटो केचप अगेन लगाया है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसके बाद हमारा ये लास्ट सैंडविच बच गया है, मतलब सैंडविच का लास्ट ब्रेड कॉर्न बच गया है। तो अब हम इसको ऊपर से ऐसे करके देखिए, छः पीस इस बाहुबली सैंडविच में 6 पीस मैंने इसको ब्रेड का इस्तेमाल किया है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब हमारे पास लास्ट इसको फिर हम कवर कर लेंगे, इससे मयू से कवर कर लेते हैं। ब्रेड में मयू से कोट कर दिया है। अब मेरे पास ये नाचो है, तो एक साइड हम ऐसे करके नाचो लगा देंगे और दूसरी साइड हम इसमें रिंग्स देख रहे हो दोस्तों, तो दूसरी साइड हम इसको रिंग से कोट कर देंगे। तो इसको और अच्छा गुड लुकिंग, और जिनका एक सैंडविच से पेट नहीं भरता वो कुछ ज़्यादा मोर और मोर चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं और इसको सब इन्जॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी और हटके ये बाहुबली सैंडविच है और सबको अच्छा लगेगा। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये सैंडविच देख के ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और प्लीज़ कर दीजिएगा। हाँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग करती हूँ। अब इसके ऊपर ये येलो सेवई लास्ट में जो है हम इस पर डाल देंगे। तो दोस्तों आपका ये बाहुबली सैंडविच बनके रेडी हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जब तक मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इस प्यारी प्यारी दोस्त को सैंडविच खा के याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।